यूपी में चौथे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, तो इस दंगल की हर खबर लेकर हम आए हैं। मैं हूं पिनाज। इस चरण के कुछ खास चुनावी गणित आज हम आपको यहां अपनी इस खास पेशकश में दिखाएंगे। यूपी के चुनाव में गुजरात के गधे से लेकर अमेरिका के उल्लू तक आखिर क्यों याद किए जा रहे हैं, साथ ही आपको बताएंगे कैसे आधा चुनाव गुजर जाने के बाद यूपी में प्रचार की सियासत अब ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ रही है, विकास पीछे छूट गया है, बाकी मुद्दे हावी हो गए। यूपी में पश्चिम से शुरू हुए चुनाव का दौर ज्यों ज्यों पूरब की ओर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं की रणनीति और प्रचार की धार भी बदल रही है। विकास, सुशासन, किसान और रोजगार से शुरू हुआ चुनावी वायदों का दौर अब मंदिर मस्जिद, शमशान कब्रिस्तान से लेकर दिवाली रमजान तक पहुंच चुका है। यूपी के गोद लिए बेटे से बिजली के नाम पर गंगा कसम तक का चुनावी दंगल ये संकेत देता है कि यूपी में बाकी के चार चरणों की लड़ाई में नेताओं की रणनीति बदल रही है। आप मुझे बताइए, भेदभाव है कि नहीं है? भेदभाव है कि नहीं है? भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। हमने रमजान पे भी बिजली दी है 24 घंटे, दिवाली पे भी दी है और क्रिसमस पे भी 24 घंटे बिजली देने का इंतजाम किया है। और हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री जी से, खाओ गंगा मैया की कसम, आसीना 24 घंटे बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है। यूपी में 403 सीटों में से 209 सीटों पर चुनाव गुजर जाने के बाद सियासी बिसात पर चाल बदलने लगी है। इसे आंकड़ों के लिहाज से समझें तो अब तक हुए तीन चरणों के मतदान में पहले चरण में 73 सीटों पर मतदान हुआ, दूसरे चरण में 67 सीटों पर और तीसरे चरण में 69 सीटों पर वोट पड़े हैं। पिछली बार इन इलाकों में एसपी को 73 में से 24, 67 में से 34 और 69 में से 55 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी को 73 में से 23, 67 में से 18 और 69 में से 6 सीटें मिली थी। बीजेपी को 73 में से 12, 67 में से 10 और 69 में से 5 सीटें मिली थी। इन आंकड़ों से जाहिर है कि तीन चरणों के चुनाव में रणनीति के लिहाज से बीजेपी के लिए विकास और सुशासन जैसे नारे काम कर रहे थे, लेकिन बाकी के चार चरणों का चुनाव का मुद्दा बदल रहा है। अभी तक बीजेपी के दूसरे नेता धार्मिक और जातीय मुद्दों की बात करते थे, लेकिन अब पीएम मोदी जहां सीधे इस दंगल में कूद पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर से अखिलेश यादव ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यूपी में बिजली के नाम पर गंगा कसम की बात आने वाले दौर के दावपेंच का संकेत दे रही है। तीन चरणों में हुए मतदान को लेकर सभी नेता अपनी अपनी बढ़त का जरूर दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत के अंदाजे के बाद चुनावी चाल में बदलाव दिख रहा है। जिस तरीके से बीजेपी दलितों के साथ अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की लगातार अपील करती रही है, उसकी काट में विपक्षी दलों ने ध्रुवीकरण की सियासत की कोशिश शुरू कर दी है। यूपी में मुस्लिम समाज की आबादी 18 से लगभग 20% है, क्या उन्होंने अपनी पार्टी से किसी एक भी मुसलमान को टिकट दिया है? मैं समझती हूँ नहीं दिया है। जबकि बहुजन समाज पार्टी सभी जातियों का और सभी धर्मों का बराबर सम्मान करती है। बहरहाल यूपी के सिंहासन की लड़ाई अब उस दौर में पहुंचने लगी है जहां सभी दलों के नेताओं के लिए विकास का मुद्दा पीछे हो रहा है और वो धर्म, जाति और लहर की सियासत पर वोट पड़ने की उम्मीद लगाए हैं। टीम न्यूज नेशन। तो ये यूपी के चुनाव है और यूपी की सीटों का गणित ही है कि विकास पुरुष शमशान और कब्रिस्तान का जिक्र करते हैं, तो काम बोलने का दावा करने वाले यहां पर धर्म और जात की बात करते नजर आते हैं। बहरहाल यूपी के चुनाव में धर्म, संप्रदाय और जाति का मुद्दा कितना असर रखता है ये अंत में जाकर पता चलेगा, लेकिन देश में धार्मिक मुद्दों पर सियासत की शुरुआत अगर कहीं से हुई तो वो यूपी से ही हुई। राम मंदिर के मुद्दे के साथ देश की सत्ता तक पहुंच चुकी बीजेपी के लिए अब राम चुनावी मुद्दा नहीं रहे। आइए आपको दिखाते हैं कैसे राम मंदिर का जिक्र करते ही छलक पड़ते हैं रामलला के महंत के आंसू। यूपी में तीन चरणों के चुनाव के बाद जब मंदिर, मस्जिद और होली रमजान की बात शुरू हुई तो ये सवाल भी उठने लगे हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने के मुद्दे का क्या हुआ। न्यूज नेशन की टीम अयोध्या पहुंची और वहां ये जानने की कोशिश की कि राम मंदिर अब चुनावी मुद्दा क्यों नहीं है। सबसे पहले युवाओं से ये सवाल। राजा राम सदियों से भारत के जनमानस में रहे हैं, जन जन में रहे हैं, लेकिन देखिए वक्त ने करवट लिया और आधुनिक दौर में
उसी राजा राम को, उसी धर्म को, कभी अल्पसंख्यक के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर राजनीति का हथियार बना लिया गया। और आज 3 दशक बाद जब राम का मुद्दा नहीं है चुनाव में, तो फिर मुद्दा क्या है? मोदी जी के चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनेगी और आज तक उस पर कोई भी विषय पे चर्चा नहीं हुई। देखिए वो मुद्दा था ही नहीं, लगभग था कि नहीं मुद्दा था, पर हमारे 2014 के घोषणा पत्र में विकास सबसे बड़ा एजेंडा था। हमने राम मंदिर को एक आस्था के विषय में लेकर के 5 साल में कितना विकास हुआ, सवाल लाइन में लगाने के अलावा क्या विकास? युवाओं के लिए क्या राम मंदिर का मुद्दा या ये धार्मिक मुद्दा, ये मुद्दा होता है क्या? होता नहीं सर, विकास चाहिए, विकास चाहिए, विकास 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 चाहिए, विकास। मोदी जातिवाद राजनीति कर रहे हैं। राम मंदिर के मुद्दे को लगातार इश्यू बनाकर लगातार सरकारों ने राजनीति खेली है। राम मंदिर की सियासत के 3 दशक बाद अब नई पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन कई दशकों से राम मंदिर की आस में बैठे और रामलला की सेवा कर रहे महंत सत्येंद्र दास मानते हैं कि इस मुद्दे का सिर्फ चुनावी इस्तेमाल हुआ। उसको बनाएंगे इस बात को कह करके लोग उब गए, और उब जाने से बाद जब समझ में आया कि यह चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, तब इसको पीछे कर दिया। राम मंदिर के मुद्दे पर सरकारें बनती गईं, मंदिर नहीं बना, नेताओं की तरक्की होती गई, रामलला वैसे ही हैं। इन सवालों का जिक्र करते हुए अब महंत सत्येंद्र दास की पीड़ा आंसू बनकर बहने लगती है। दुख होता है उन लोगों को, आपको, जिनको पहले इतने दिनों तक तो कहा गया कि मंदिर बनाएंगे, अब वो मुद्दे को हाशिए पर डाल दिया गया। देखिए दुख बहुत होता है, क्योंकि रामलला की जो दशा, जिसको मैं नज़दीक से देख रहा हूँ कि रामलला इस तरह से विराजमान है कि कोई भी भक्त रामलला की दुख नहीं देख पाएगा। बहुत कष्ट है रामलला को, और इसलिए हम का उल्टा है, बहुत दुखी हैं। ये दुख आंसू बनकर के बाहर आ रहा है, क्या क्या किया जाए, और दूसरा कोई रास्ते नहीं हमारे पास, हम पुजारी हैं, रामलला टाट पट्टे में हैं। यूपी के बाकी हिस्सों की तरह सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार अयोध्या के लिए भी बड़े मुद्दे हैं, लेकिन आम लोगों के बीच आज भी राम मंदिर का मुद्दा इन सब पर भारी दिखता है। इस बार मुद्दा पीछे कैसे रहे? मुद्दा बिल्कुल पीछे नहीं है, मुद्दा बिल्कुल सामने है, और जब सरकार बनेगी तो अब सरकार हमारी इस बात का इंतजार कर रही है, कोर्ट का निर्णय क्या आता है, कोर्ट का निर्णय आने के बाद हमारी सारी सिलाई मौजूद। आपके लिए कौन सा बड़ा मुद्दा है, नौकरी? हमारे लिए 2 सबसे बड़े मुद्दा है, सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि, उसके बाद नौकरी, उसके बाद आम जनता की सुरक्षा। पहले कहते थे कि केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए, बना देंगे, कहते अब कहते हैं कितना कर पा रहे हैं ये अलग बात है, हर आदमी उतना तो नहीं, इतना जल्दी तो नहीं बन सकता मंदिर। सरकार बनाने तक का था वो मुद्दा, अब सरकार बन गई तो मुद्दा हो सकता है उनका ये हो। अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में राम मंदिर के चुनावी सवाल को लेकर लोगों की अलग अलग राय थी। इसी सिलसिले में हनुमानगढ़ी मंदिर की सीढ़ियों पर मौजूद लोगों ने भी अपनी राय रखी। सरकार आएगी जी तो मंदिर बनेगा क्या? जी मंदिर पता नहीं भाई, मंदिर को बारे में नहीं बता सकते हम, लेकिन अगर भाजपा सरकार आएगी। अब तक नहीं बना जी, अब तक नहीं बना, लेकिन अब भाजपा सरकार आएगी तो जरूर बनेगा। इस बार तो मुद्दा ने आपने बनाया नहीं, इस बार तो कहा नहीं कि मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा जी। मुद्दा ये मंदिर वाला मुद्दा इलेक्शन में नहीं हो सकता है। अयोध्या का विकास जब तक मंदिर नहीं बनेगा पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। लोकसभा में बहुमत है, राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा तो दोनों जगह धर्म कानून ला कर हम लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करेंगे। जरा ये बताइए, चुनाव फिर से हो रहा है, अयोध्या में मुद्दा क्या है? अब अयोध्या मुद्दा ये है कि राम मंदिर का मुद्दा है, राम मंदिर का कल्याण हो जाए। लेकिन अब तक क्यों नहीं हुआ? आप लोग नहीं चाहते तो आप लोग कैसे बनेगा? नहीं अब तो सरकार भी बन गई मोदी जी की, अब मोदी की सरकार में राज में बन जाएगा उम्मीद है। क्या चाहती है आप सरकार से? मतलब काम अच्छा करे और देश का विकास हो। हाँ। मंदिर भी बने? जी हाँ, मंदिर तो बनना ही चाहिए। पहली बार आई है? नहीं पहले भी आई हूँ, तब से सुन रही हूँ राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, अब आई फिर भी नहीं बना। अयोध्या में राम मंदिर के अलावा और भी कई ऐतिहासिक धरोहर हैं, लेकिन उनकी चुनावी अहमियत नहीं है, लिहाजा उनकी सुध लेने वाला भी कोई नहीं है। बहरहाल अयोध्या न सिर्फ राम मंदिर का इंतजार कर रही है, बल्कि विकास के पैमाने तक पहुंचने के लिए सड़क, बिजली, पानी जैसी जरूरतों के लिए भी जद्दोजहद करती नजर आती है। अजय झा, न्यूज नेशन, अयोध्या। चलिए, इस बीच यूपी में काम बोलता है या नहीं ये बाद में पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मंच बोल गया है। इलाहाबाद में कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के मंच का ऊपरी हिस्सा अचानक गिर गया। जिस वक्त मंच का हिस्सा गिरा उस वक्त कई लोग वहां मौजूद थे। आपको बता दें इसी मंच पर कुछ देर बाद राहुल गांधी और
कहा जा रहा है अखिलेश यादव को आकर संबोधन करना था, लेकिन उससे पहले ही मंच का ऊपरी हिस्सा जो है वो गिर गया। गनीमत ये रही कि उस वक्त राहुल और अखिलेश मंच से संबोधन नहीं कर रहे थे, भीड़ अभी क्योंकि जुटनी शुरू ही हुई थी और बहुत ज़्यादा बड़ा विशाल का मंच नहीं था, तो किसी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो जैसे जैसे यूपी में चुनाव का चरण बढ़ रहा है, गियर भी प्रचार के बदल रहे हैं और लग रहा है कि अब फोर्थ गियर में चुनाव प्रचार हो रहा है और इसमें कई जुबानी हादसे हो रहे हैं। गुजरात के गधे से शुरू हुई कहानी अब अमेरिका के उल्लू तक जा पहुंची है। अखिलेश यादव का गुजरात पर्यटन के प्रचार को लेकर किया गया तंज का सिलसिला फिलहाल यहां थम जाएगा लगता नहीं है। चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, लेकिन लखनऊ की सत्ता के लिए हो रहे इस चुनावी दंगल का कनेक्शन गुजरात में पर्यटन बढ़ाने वाले एक वीडियो से लेकर अमेरिका के उल्लू तक की कहानी से जुड़ गया है। चुनावी मुकाबले में तंज और व्यंग के इस होड़ की शुरुआत अखिलेश यादव के एक बयान के बाद हुई है, जिसमें अखिलेश ने गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग के एक प्रचार वीडियो का जिक्र किया था। टीवी में आता है कि गुजरात के गधों को देख के एक बार जरूर जाओ, ऐसा कुछ ऐड आता है। हमने तो इसके बाद निवेदन करेंगे कि ऐसा टीवी पे ऐड ना आए, हमारे लोग गुमराह होते हैं इस बात को देख करके सुन करके। अखिलेश का ये बयान बड़े चुनावी असर वाला था। गधे वाले बयान के बाद बीजेपी की ओर से अमित शाह ने अखिलेश को चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात कही, तो कैबिनेट मंत्री संतोष गंगवार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत के नियम तक का हवाला दे डाला। अखिलेश जी से कहूंगा कि तो उत्तर प्रदेश की बात करें, ज्यादा अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की चिंता करें, फिर तो वो भूल जाएंगे। फिर ये कहेंगे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति जहाँ जाता है वहां पर उल्लू की फोटो लगी होती है, उनकी समझ में आना चाहिए, स्वागत करता है। अखिलेश के सियासी तंज से बौखलाई बीजेपी ने ऐसे बयानों को चुनावी हार की आशंका में दिया गया बयान ही बताया। समाजवादी पार्टी की भाषा भी इस समय मतलब उसमें संतुलन नहीं रह गया है और ऐसे बयान आने लगे हैं जिससे अब मुझे पूर्ण विश्वास है इस बात का कि सपा को असलियत का पता चल चुका है। बहरहाल बीजेपी के दिग्गजों के निशाने पर रहे अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यूपी में बाकी तीन चरणों के चुनाव प्रचार की चुनाव बयानबाजियां और तल्ख होने के आसार नजर आ रहे हैं। नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन, लखनऊ। चलो तो चौथे चरण का चुनाव नजदीक आते आते प्रचार तो थम गया है, लेकिन जबान फिसलती हुई नजर आ रही थी। इस बीच आपको बता देते हैं कि 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव होना है। इसमें किन दिग्गजों की किस्मत जो है वो ईवीएम में बंद होने वाली है, मुकाबला किन किन इलाकों में है और कितना कड़ा होने वाला है। चुनाव प्रचार जो है विकास के मुद्दे को लांघता हुआ कहीं ना कहीं आगे बढ़ गया है और अब पहुंच चुका है ध्रुवीकरण की राजनीति पर। हर्ष वाजपेयी बीजेपी से और इलाहाबाद उत्तर से अनुराग नारायण सिंह जो है आमने सामने लगे हुए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इलाहाबाद उत्तर की सीट में मुकाबला हर्ष वाजपेयी युवा नेता है, उनका मुकाबला है अनुगढ़ नारायण सिंह के साथ। इलाहाबाद पश्चिम की बात करें तो पूजा पाल बीएसपी की कैंडिडेट है, उनका मुकाबला सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ है। सिद्धार्थनाथ सिंह एक कद्दावर दबंग नेता है और अपना तो सिद्धार्थनाथ सिंह जो है वो एक कद्दावर नेता है, उनका मुकाबला यहाँ बीएसपी की पूजा पाल से है। सिद्धार्थनाथ सिंह अपने जीत का दावा कर रहे हैं। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी की ऊंचाहार सीट से उत्कृष्ट मौर्य को यहाँ पर टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा क्योंकि यहाँ पर किसकी जीत होती है। उत्कृष्ट मौर्य बीजेपी नेता है और आइए अब दागी कैंडिडेट्स की भी आपको जानकारी दे देते हैं। जो दागी कैंडिडेट्स हैं यूपी के चौथे चरण के चुनाव में, अगर हम बात करें तो बीजेपी के 19 कैंडिडेट यहां पर दागी हैं, साथ ही कांग्रेस की तरफ से 3 कैंडिडेट जो हैं, माफ कीजिएगा 8 कैंडिडेट जो हैं दागी हैं, समाजवादी पार्टी से 13, आरएलडी से 9। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से दागियों की भी अच्छी खासी तादाद है यहां। तो यूपी के चौथे चरण में दागी उम्मीदवारों की तादाद भी कम नहीं है। साथ ही अगर हम बात करें कि करोड़पति उम्मीदवार, भाई यूपी अमीर राज्य है, तो ऐसे में यूपी के अगर करोड़पति उम्मीदवारों की बात की जाए तो यहां पे बीजेपी के 36, कांग्रेस के 17, बीएसपी के
45, समाजवादी पार्टी के 26 और आरएलडी के 6 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सिली दागी भी हैं, करोड़पति भी हैं, मुकाबला दिलचस्प है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी भले पूरी यूपी को बताते रहें कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन जरा उन नेताओं से पूछिए जिन्हें इस गठबंधन के लिए अपने सियासी करियर की कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। आंखों के आंसू को छिपाने के लिए काला चश्मा लगाए अपने समर्थकों के साथ नामांकन दफ्तर जा रही ये हैं रिबू श्रीवास्तव। रिबू वाराणसी की कैंट सीट से एसपी की उम्मीदवार थी, लेकिन गठबंधन के बाद इन्हें नामांकन वापस लेना पड़ गया। दुखी मन से आज आपने अपना नामांकन वापस लिया है, आप भी समझ सकते हैं कि हमारी जगह आके देखिए क्या स्थिति होगी। रिबू की नम आंखें और रूंधा गला बता रहा है कि उन्हें अपनी उम्मीदवारी छोड़ने का कितना अफसोस है। उधर रिबू के समर्थक भी अखिलेश के इस फैसले से बेहद दुखी नजर आए। अब रिबू श्रीवास्तव की कैंट सीट से कांग्रेस के अनिल श्रीवास्तव गठबंधन के उम्मीदवार हैं। हालांकि रिबू खुलकर नहीं कहती कि वो कांग्रेस कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी या नहीं। ये माना जाए कि आप जो गठबंधन के प्रत्याशी अनिल श्रीवास्तव उनके साथ खड़ी नजर आएंगी, उनके साथ प्रचार प्रसार में जुटेंगी। मैंने कहा माननीय देव पार्टी के प्रति हमारी वफादारी, हमारी निष्ठा न होती तो मैं आज तक शायद यहाँ न होती, और आज ये मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी टिकट न देते, कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी कि टिकट वापस लिया गया। रिबू कांग्रेस को सपोर्ट करे या नहीं, लेकिन खबर तो ये है कि रिबू श्रीवास्तव की टिकट वापसी पहले से तय थी। वैसे वाराणसी की शहर उत्तरी सीट से कांग्रेस की महिला प्रत्याशी की टिकट वापसी का मामला हो या फिर रिबू का, कोई भी दल महिलाओं की उम्मीदवारी पर भरोसा नहीं जताता दिखता। काशीनाथ शुक्ल, न्यूज नेशन, वाराणसी। चलिए तो यूपी के चुनावी दंगल की हर खबर हर पहलू के साथ आपने देखी, और तमाम अहम खबरों से अप टू डेट रहने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारा वेब आईडी है www.newsnation.in। फिलहाल दीजिए इजाजत।